द रेलवे एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव बैंक जयपुर शाखा अजमेर की ओर से आज संचालक मंडल सदस्यों के चुनाव आयोजित किए जा रहे हैं। अजमेर उत्तर पश्चिम रेलवे अजमेर शाखा के 4,800 मतदाता इस चुनाव में बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। अजमेर के रेलवे विसिट और सीनियर रेलवे इंस्टीट्यूट में मतदान प्रक्रिया जारी है, जहां नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन ने एक महिला सहित 3 उम्मीदवार उतारे हैं, तो वहीं UPRMS ने 3 उम्मीदवार उतारे हैं। वहीं इस बार OBC एसोसिएशन ने भी 2 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। इस बार एक महिला और 2 पुरुष कैंडिडेट चुनाव जीत कर कामकाज संभालेंगे। इस चुनाव को लेकर रेलवे पुलिस के साथ ही रेलवे प्रशासन की ओर से व्यापक व्यवस्था है और सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं, जिससे कि निष्पक्ष रूप से चुनाव आयोजित करवाए जा सके। जयपुर कोऑपरेटिव बैंक के आज अजमेर चुनाव होने जा रहे हैं और इस चुनाव 3 संचालक 3 डायरेक्टर के लिए ये चुनाव हो रहे हैं और इस चुनाव में नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन NWRU ने अपने 3 प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारा है। भावना वर्मा जिनका चुनाव चिन्ह मोमबत्ती है, विपिन कनौजिया जिनका चुनाव चिन्ह छत का पंखा है और विभोर मिश्रा जिनका चुनाव चिन्ह डीजल पंप है। इन 3 युवा ईमानदार और कर्मठ सेवाभावी साथियों को NWRU ने चुनाव मैदान में उतारा है। इसके अलावा UPRMS ने भी अपने 3 उम्मीदवार इस मैदान में उतारे हैं और इस बार OBC एसोसिएशन ने भी अपने 2 उम्मीदवार इस चुनाव में उतारने का काम किया है। इस बार विशेष बात यह है कि 1 महिला उम्मीदवार और 2 पुरुष उम्मीदवारों को मतदाताओं को चुनना है और उसी कड़ी में यूनियन के पैनल में भावना वर्मा को महिला उम्मीदवार के रूप में बनाने का काम किया है। जिस प्रकार का जोश, जिस प्रकार का माहौल और वातावरण दिखाई दे रहा है, लोग बाग एक अच्छे और आदर्श बैंक के भविष्य को ध्यान में रखते हुए नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन के 3 प्रत्याशियों को भारी मतदान कर रहे हैं। चाहे रेलवे विसिट कचहरी रोड की बात हो या फिर सीनियर रेलवे इंस्टीट्यूट अजंता सिनेमा के सामने की बात हो, दोनों जगह अपार भीड़ लगी हुई है और लोग पूरे उत्साह के साथ इस मतदान का आनंद भी ले रहे हैं और भरपूर मतदान करने का काम कर रहे हैं। लगभग कितने वोटर्स हैं और अभी तक कितने मतदान हो चुके हैं? कुल मिला के अभी इस जयपुर बैंक डायरेक्टर के लिए अजमेर के 4,800 मत हैं और लगभग अभी इसका 50% मतदान हो चुका है और अब लंच टाइम जैसे ही होगा DRM ऑफिस, अकाउंट्स ऑफिस, अन्य ऑफिसेस का, तब एक बार फिर भीड़ आएगी और शाम 4 बजे तक मतदाताओं का मतदान केंद्र आने का क्रम चलता रहे। देखिए, आज जयपुर कोऑपरेटिव बैंक रेल कर्मचारियों का सहकारिता बैंक है, इसका चुनाव है। पिछले 5 वर्ष में, पहले 2018 में चुनाव संपन्न हुआ था, जिसमें से 12 डायरेक्टरों में से 6 डायरेक्टर उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ समर्थित जीते थे। उसके पश्चात जो पिछले 5 साल में कार्य प्रणाली में जो सुधार हम लेके आया, जो ब्याज दर में कटौती की, ब्रांडेड गिफ्ट दिया, संचालन में पारदर्शिता लाया, इन तमाम सकारात्मक गतिविधियों को आम रेल कर्मचारियों के बीच में जाकर बोलकर और भविष्य के योजना बताते हुए सुधार की अपील करते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ 3 उम्मीदवार मैदान में उतारा है। 1 नंबर पर श्री अश्विनी कुमार शर्मा, जिसका चुनाव चिन्ह है हवाई जहाज। 4 नंबर पर श्री मुकेश कुमार, जिसका चुनाव चिन्ह है नारियल। और 5 नंबर पर महिला प्रत्याशी हमारा श्रीमती विनोद शर्मा, जिसका चुनाव चिन्ह है किताब। इन 3 को उतारा है और यहाँ SRI में 4 बूथ और विसिट रेलवे इंस्टीट्यूट में 3 बूथ सहित 7 बूथ में कर्मचारी अपना मतदाता का प्रयोग कर रहे। हमें पूरा विश्वास है कि कर्मचारियों से जो सकारात्मक सहयोग हमने मांगा है, उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ को भरपूर सहयोग मिल रहे।